जम्मू कश्मीर की सरकार जिस तरह से हिंदुओं के घरों को बुलडोजर से उजाड़ने का काम किया है, ये देश के सौहार्द को कांग्रेस की सरकार है वहाँ लेट बाई, भले फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री है, लेकिन कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस को चाहिए कि तुरंत इस्तीफा करे, और नहीं तो इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस को पड़ेगी। फारूक अब्दुल्ला तो सब दिन से आतंकवादियों के समर्थक रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला सब दिन से हिंदू विरोधी रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस की सरकार भी उसमें है। अगर हिंदुओं पर इस तरह का अत्याचार हो रहा है तो कांग्रेस को चाहिए इस्तीफा करे, नहीं तो इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी देश के लोगों से माफी। संभल टीम पर हमला किया गया है, इसको किस रूप में? अब देश में ये जिहादी आंदोलन, जिहादी वाले लोग जो शरिया कानून स्थापित करना चाहते हैं भारत के लोकतंत्र को खत्म करके, ये संभल की घटना उसी मानसिकता का द्योतक है कि वो लोकतंत्र को खत्म करके शरिया कानून स्थापित करना चाहते हैं। अगर कानून से कोई, कानून के तहत सर्वे की टीम थी, अगर कानून पर ये हमला है, ये लोकतंत्र पे हमला है, ये भारत पर हमला है, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, उत्तर प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा, ये चेतावनी दे रहे हैं गृह युद्ध कराने। कांग्रेस की जुबान इस पर चुप रहती है, यही कारण हुआ कि कांग्रेस आज विपक्ष के लायक भी नहीं है। कांग्रेस सर उत्तर में जाके दक्षिण को, दक्षिण में जाके पूरब को, और विदेश में जाके भारत को। कांग्रेस की पुरानी नीति है, और राहुल गांधी तो उसके द्योतक बन चुके हैं। देश के बाहर जाएंगे तो भारत को गाली देंगे, दक्षिण में जाएंगे तो उत्तर को गाली देंगे। ये देश को टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहते हैं राहुल गांधी, इसीलिए ऐसा कदम उठाते हैं। महाराष्ट्र की जीत क्या वोट जिहाद पे धर्म युद्ध की जीत? महाराष्ट्र की जीत महाराष्ट्र के जनता की जीत है। जो विपक्ष कांग्रेस वहाँ सांप्रदायिक तनाव फैलाना चाहता था, सांप्रदायिक हमले पर, एक तरह से लोकतंत्र का विजय है।